भाइयों और बहनों, आज जब देश 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है, तब हमें अपने शहरों को भी 21वीं सदी की दुनिया के मुताबिक बनाना ही होगा। मोबिलिटी हो, कनेक्टिविटी हो, प्रोडक्टिविटी हो, सस्टेनेबिलिटी हो या फिर सेफ्टी, हर लिहाज से एक बेहतर व्यवस्था हमें तैयार करनी है। इसी सोच के साथ हमारी सरकार अगले 5 साल में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर 100 लाख करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। इस राशि का बहुत बड़ा लाभ मुंबई के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र के तमाम शहरों को भी होने वाला है। साथियों, देश भर में शहरों में मोबिलिटी को, ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए हम एक इंटीग्रेटेड सिस्टम पर बल दे रहे हैं। रोड हो, रेल हो, मेट्रो हो, ऐसे हर माध्यम को एक दूसरे से कनेक्ट किया जा रहा है। आज यहां मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, उसमें बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम तैयार करने के लिए भी एक विजन डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया है। इसमें आने जाने के अलग अलग माध्यमों, जैसे मुंबई लोकल हो, बसों का सिस्टम हो या फिर मेट्रो, इनका कैसे सही उपयोग हो सके, इसका विस्तार से ब्यौरा दिया गया। खास तौर पर मुंबई मेट्रो के लिए मास्टर प्लान इसमें बनाया गया है। भाइयों और बहनों, बीते 5 वर्षों से मुझे मुंबई मेट्रो के विस्तारीकरण से निरंतर जुड़ने का मौका मिलता रहा है। करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए की लागत से मेट्रो नेटवर्क का विस्तार यहां किया जा रहा है। अभी मुंबई में सिर्फ 11 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क है, लेकिन 2023-24 तब तक ये बढ़कर 325 किलोमीटर से अधिक हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि आज जितने लोग मुंबई में लोकल रेल से रोज सफर करते हैं, लगभग उतनी ही कैपेसिटी मेट्रो की भी हो जाएगी। लोकल को आधुनिक बनाने के साथ ही मेट्रो के विस्तार का ये कॉम्बिनेशन मुंबई की वर्तमान जरूरतें पूरी करने के साथ ही आने वाले वर्षों के लिए भी तैयार करेगा। साथियों, हम सिर्फ मेट्रो लाइन ही नहीं, सिर्फ उछे ही बिसारा ऐसा नहीं, बल्कि लाइनों पर जो मेट्रो दौड़ेगी उसके कोच भी भारत में ही बन रहे हैं। थोड़ी देर पहले ही मैंने मोकअप कोच को देखा है। मेक इन इंडिया के तहत बनने वाले आधुनिक मेट्रो कोच मुंबई मेट्रो को सुरक्षित और सुविधाजनक और किफायती बनाने वाले हैं।